हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू मेक। आज हम आपको बताएंगे एप्पल वाइन बनाने की रेसिपी घर पे। तो इसके लिए मैंने 3 एप्पल ले लिए हैं और 1 अनार ले लिया है, बिकॉज़ अनार के साथ एप्पल का जो टेस्ट होगा वो बड़ा डिफरेंट और बहुत अच्छा टेस्ट होगा। बस इसके लिए हम एप्पल को बारीक बारीक काट लेंगे। अब हमने इन दोनों को चॉप कर लिया है। अनार हमारे ये रहा, एप्पल हमारे ये रहे। अब हम इस जार में इन दोनों को डाल देंगे। हाँ, जार की क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप मैंने ये जार पहले क्लीन कर लिया था। आप जार जैसे यूज़ करते हैं तो उसकी क्लीनिंग प्रॉपरली कर लीजिए। अब आपने देख लिया है मैंने कैसे कैसे छोटे छोटे करके इनको चॉप किया है। ऐसे ही करना है इनको, आपको भी चॉप। अब मैं इसमें ये मैंने थोड़ा सा हॉट वाटर कर लिया, वार्म वाटर कर लिया है, ये वाटर मैं इसमें डाल लेता हूँ। ऑलमोस्ट जितना मेरा इतना। इस जार को बंद करके अब हम एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए हम इसको रख लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे इसको 48 आवर्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 48 आवर्स में ऐसा हो चुका है ये। अब हम इसको एक जार में निकाल लेंगे, मिक्सी के जार में, और उसमें निकालने के बाद इसको एक बार मिक्सी में घुमा लेंगे। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारा ग्राइंड हो चुका है प्रॉपरली। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्लीन क्लोथ लेके हम इसको अच्छे से छान लेंगे। मैं इसको डायरेक्ट फर्मेंटेशन के लिए भी रख सकता था। एप्पल्स को छोटा छोटा काटने के बाद उनको डायरेक्ट फर्मेंटेशन के लिए रख सकते थे, लेकिन अभी इसके जूस हमने इसलिए निकाल लिया है बिकॉज ये पल्प जो हम अभी निकाल रहे हैं, ये पल्प अब हम स्टार्टिंग में निकाल के फेंक देंगे। अगर हम इसको अभी ना निकाल के लास्ट में निकालते पूरा फर्मेंटेशन कम्प्लीट होने के बाद, तो इसके साथ हमारी बहुत सारी वाइन वेस्ट हो जाती। तो हमने पल्प स्टार्टिंग में निकाल लिया है। अब पल्प अलग करने के बाद हम इस पूरे वाटर को जब फर्मेंट करेंगे तो उससे हमारी वाइन वेस्ट नहीं होगी, जितनी भी वाइन बनेगी वो हमारे पास रहेगी। तो बस हमारा सारा जूस वगैरह इसमें आ चुका है, और ये मैंने आपको बताई दिया मैंने किस लिए किया है। लास्ट में अगर हम ये सारा पल्प निकालते तो बहुत सारा इसके साथ निकालने में वाइन चला जाता। इसके साथ हमने 1/2 kg शुगर लिया है, वही हमने मसाले लिए हैं, दालचीनी, 4 इलायची, 4 से 5 लौंग, और हमारी ईस्ट, हमने ये ईस्ट लिया है। दिस इज़ होममेड ईस्ट, ये घर पे बनाई हुई है ईस्ट। इसका तरीका मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो के नीचे इसका लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं घर पे ईस्ट कैसे बनाई जाए। हॉट वाटर,
हॉट वाटर मिल इसलिए बिकॉज जो हम शुगर इसमें डालने वाले हैं, सबसे पहले इसमें शुगर डालते हैं, ये शुगर इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। यस, मैंने शुगर इसमें डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा हॉट वाटर डाल के इसे फुल कर लेते हैं। देखिए वाटर ऐसा नहीं है कि इसके लिए वाटर के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है कि एक लीटर दो लीटर, बिकॉज आप जितना भी वाटर डालेंगे वो बाद में फर्मेंटाइज होके आपका सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना है, वाइन में कन्वर्ट हो जाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये दालचीनी इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे। मसाले डालने से इनके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इलायची को खोल के डालेंगे इसमें। चार से पांच मैंने इसमें लौंग ली हैं, उनको भी मैं तोड़ तोड़ के डाल रहा हूं। बस इसमें शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व होने तक हमें इसको अच्छे से हिलाना है ताकि शुगर इसमें पूरा डिसॉल्व हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। लेकिन मेरे पास ये कुछ रोज पेटल्स हैं जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे। मैं कुछ रोज पेटल्स इसके अंदर डाल देता हूँ, इससे एक तो इनके अंदर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा जो कि बहुत अच्छा रहेगा। देखिए और अब इसके अंदर हम 1 स्पून इसके अंदर हम यीस्ट डालेंगे। लगभग लगभग इतना यीस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। मैं थोड़ा सा और यीस्ट ले रहा हूँ, 10। रोज पेटल्स जो मैंने डाले हैं वो सिर्फ थोड़े से कलर्स के लिए डाले हैं। आप कलर के लिए अगर आप थोड़ा डार्क इसको रेड वाइन वाला कलर देना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा चुकंदर लेके भी उसके 4-5 स्लाइसेस भी डाल देंगे तो उसका कलर बिल्कुल रेड हो जाएगा। बट मेरे को उसका कलर इतना चाहिए नहीं था इसलिए मैंने चुकंदर लिया नहीं है। और आप ये जो हमने यीस्ट डाला है इसको प्रॉपरली मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर मिक्स कर रहा हूँ। बस अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम अपना जार का एयर टाइट इसको बंद कर दिया है। ये देखिए मैंने इसको ये पाइप लगा के इसको फर्मेंटेशन जार में कन्वर्ट कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा वाटर डालना पड़ेगा इस पाइप में। ये हमने इसके अंदर वाटर डाल दिया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब ये हो गया रेडी। अब इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, इसको हमने बंद कर दिया है। अब इसको हम 15-20 डेज़ के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। हाँ, फर्मेंटेशन के लिए जब भी आप इसको रखें तो आपको याद रहे कि ये इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना,
बिकॉज यूवी रे से ईस्ट आपकी डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसको रखने का राइट टेम्परेचर होता है 72 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि मतलब आप 21 से लेके 27-28 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं। तो उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर में अगर आप इसको रख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई इतना भी ठंडा रूम नहीं है, मान लीजिए गर्मियों में हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 or 20 डेज़ बाद हम इसको फिर से देखेंगे। थैंक यू।